अगर कोई जज किसी मुकदमे में इंसाफ नहीं करता तो वो दुनिया और आखिरत में उसका जवाबदेह होगा। इंसाफ पर मबनी एक फैसला सालों की इबादत से बढ़कर होता है। जजेस की कारकर्दगी और इस्तेदाद काट में इजाफा वक्त का अहम तकाजा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का जुडिशियल एकेडमी में खिताब। नैब का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल दूसरे रोज छापा। नैब की टीम और पुलिस का 5 घंटे तक 96H मॉडल टाउन का मुहासरा। कारकुनान एक बार फिर से ढाल बन गए। नैब की टीम और पुलिस एहलकारों में से कोई भी हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने अंदर गया और ना ही हमजा शहबाज बाहर आए। वकील अमजद परवेज, मलिक अहमद खान और राणा मशहूद अहमद ने हाईकोर्ट से रजू किया। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने चैम्बर में समाप्त की पीठ तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब की टीम एक बार फिर से खाली गाड़ियां लेकर वापस चली गई। पांच घंटे तक मॉडल टाउन एच ब्लॉक में पुलिस और नून लीग के कारकुनान में आंख मचोली चलती रही। कारकुनान रुकावटें हटाकर 96H तक पहुंचे। पुलिस के साथ धक्कमपेल, हल्का फुल्का लाठीचार्ज, वही धूल छलांग लगाते हुए गिर पड़े। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी पहुंची। मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूँ, मैं नैब के नहीं बनता। मुझे पाकिस्तान के मौसी हालात डरा रहे हैं। नैब टीम के जाने के बाद हमजा शहबाज सामने आ गए। नैब की जलकार ने 12 अक्टूबर की याद ताज़ा कर दी। न्याजी साहेब, कान खोल कर सुन लो, नैब से नहीं डरता, मुल्क की मौशी हालत से डरता हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हमजा शहबाज का कारकुनान से खिताब। हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। बोले के न्याजी साहेब, सियासी लड़ाइयाँ बंद करो, मिसाके मईशत पर बात करो। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर अपनी टीम जबकि एसपी मॉडल टाउन पुलिस एहलकारों के हमराह मौजूद रहे। इलाका मजिस्ट्रेट भी साथ थे। एंटी राइड फोर्स के दस्ते, ख्वातीन एहलकार भी मौजूद। दीवारें फलांगने के लिए सीढ़ियां भी मंगवाई गई। हालात काबू में रखने के लिए रेंजर्स भी तलब की गई। गश्त जारी रहा। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को सियासत की नज़र ना किया जाए। हमजा शहबाज कानून को हाथ में ना लें। लीगी कारकुन रहनुमाओं के आशीर्वाद पर माहौल को खराब कर रहे हैं। कानून की नज़र में तमाम मुलजिमान बराबर हैं। नैब हुकाम का मुरासला। डेप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर ने कहा कि हर सूरत हमजा शहबाज को गिरफ्तार करेंगे। नामवर सियासतदान गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। यही नैब उस वक्त इस्तेमाल की गई हुकूमत बनाने के लिए और इमरान खान की पिटीशंस पर, और उसके बाद आज ये नैब अब हुकूमत को कायम रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। इमरान खान का नैब के साथ किरदार ढका छुपा नहीं। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का मकसद अपनी नाअहली को छुपाना है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान, राणा मशहूद बोले कि नैब को खुदकुशियों का हिसाब देना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिसाब अब नैब को देना पड़ेगा। आज अदालत आलिया ने उसके ऊपर ये मोहर लगा दी कि नैब का जो इदारा है वो कानून से मावरा होकर काम कर रहा है। नैब आजाद इदारा, हुकूमत को रोकने का इख्तियार नहीं। अमन अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। हमजा शहबाज एक सियासी कारकुन है तो कानून का एहतराम करें। गिरफ्तारी से बचने के लिए पीछे ना छुपें। पंजाब हुकूमत नैब को कानूनी तौर पर मदद करेगी। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज गिल।
शेख रशीद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर लफ्जी ट्रेन चला दी। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मामले पर नून लीग बुजदिल करार, बोले हराम की कमाई ने सियासतदानों को बुजदिल बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी तमस्कर उड़ाया, कहा कि बिल्लो रानी से मेरी लड़ाई सिर्फ 6 या 7 दिन होती है। ट्रेन की बोगियां डीरेल होने पर कौम से एक बार फिर मुआफी मांग ली, इंक्वायरी के लिए नई कमेटी बनाने का ऐलान। ख्वाजा बरादरान से मुलाकात का दिन, लीगी रहनुमाओं की कैंप जेल आमद, ख्वाजा अहमद हसन, मियां मरकूब, जावेद लतीफ समेत अहले खाना मुलाकात के लिए जेल पहुंचे। इंसानी सेहत से खेलने वाले बाज ना आए, बाबू साबू के इलाके में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, अलाइशों से तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सील कर दिए, 4,880 लीटर तेल भी बरामद कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि मुजरे सेहत ऑयल शादी हॉलों को फरोख्त किया जाना था। गर्मी आई, लोड शेडिंग भी साथ लाई, सूरज का पारा हाई होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू, शहर में 4 और देहात में 6 घंटे की लोड शेडिंग, गुलशन रावी, राजगढ़ और अंदरून शहर में बिजली की आंख मचोली, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, शालीमार और दीगर इलाकों में बत्ती बंद, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट हो गया। वुजू के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मस्जिद के बाहर टैंक नस्ब करने की तजवीज, चेयरमैन वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जेर सदारत अहम इजलास, डॉल्फिन फोर्स की जानिब से पानी के ज़िया पर रिपोर्ट कमीशन को पेश, सर्विस स्टेशन को रिसाइकल सर्विस नस्ब करने के लिए 2 रोज की मोहलत। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी का कहना है कि बहुत जल्द वुजू के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे पर अमल शुरू हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने PKLI का कानून मंसूख कर दिया, अस्पताल में सदर का ओहदा खत्म, डीन इदारे का सरबरा मुकर्रर, नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी। नाकिस मटेरियल और तामील में उजरत, शहर की पक्की सड़कें रेत की मानित बिखरने लगी, हमदर्द चौक में सड़क में गड़ा पड़ गया, कई फुट गहरा गड़ा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसे का खदशा। खयाबाने फिरदोसी सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा, DGLDA आमना इमरान ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, मंसूबे पर 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 3 मकामात पर डबल यू टर्न जबकि 1 जगह सिंगल यू टर्न बनाया जाएगा, 3.7 किलोमीटर तवील खयाबाने फिरदोसी मुकम्मल तौर पर सिग्नल फ्री होगा, हुकाम की ब्रीफिंग। पुलिस अफसरान माली फिटनेस के बजाय फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो दें, रिफॉर्म्स और एहतसाबी अमल से महकमे की कारकर्दगी बेहतर होगी, पुलिस इस्लाहात से इंसाफ का बोलबाला होगा। IG पंजाब का CPO ऑफिस में अफसरान से खिताब, अमजद जावेद सलीमी ने तरक्की पाने वाले 18 DSPs को रैंक लगाए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में बैन अलावी कॉन्फ्रेंस का इनका, मुल्की और गैर मुल्की शुरुआत ने जबान और सकाफत पर खसूसी लेक्चर्स दिए, कॉन्फ्रेंस में अमरीकी काउंसिल जर्नल लाहौर ने भी शिरकत की। खेलों की दुनिया में लाहौर नंबर 1, पंजाब गेम्स में 31 गोल्ड मेडल्स के साथ लाहौर डिवीजन सरे फहरिस्त रहा, फैसलाबाद का 2रा और रावलपिंडी का 3रा नंबर, स्विमर अजलान शाह 6 गोल्ड मेडल जीतकर बेहतरीन एथलीट करार पाए, 9 साला जकिया गोल्ड मेडल जीतने वाला कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गया, 9 साला जकिया ने पेंटाथलोन में सोने का तमगा अपने नाम किया, 4 रोज से जारी पंजाब गेम्स इख्तिताम पसीर। और अलाइड स्कूल शिबली कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, असातिज़ा और वालदैन की कसीर तादाद में शिरकत, बच्चों की शानदार परफॉर्मेंसेज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।